स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग जो हमारा तमिलनाडु का हिस्ट्री है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसका ये 10वां लेशन हम लोग, जिसका नाम है हर्षवर्धन, इसका काल था 606 से लेकर 647 AD के बीच में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हमारे हिस्ट्री के सेक्शन से, ठीक है। साथ में बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ यहाँ पे UPSC या फिर आप किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। क्वालिटी कंटेंट मिलता है आपको एंड जो भी आप रिक्वायर्ड चीज़ ढूंढ रहे हो UPSC की तैयारी में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। अभी फ़िलहाल इस पे 3-4 प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हो लक्ष्मीकांत के बेस्ड वाली किताब, तो पूरी एक सीरीज़ है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसका PDF भी है, आप पढ़ सकते हो। लगभग 6-7 दिन का कोर्स है। इसके अलावा अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो रमेश सिंह वाली, तो भी वो भी मैंने अवेलेबल कराया हुआ है, उसका भी PDF है, वो भी करीब 6-7 दिन का कोर्स है। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई किताब है, उसको भी मैंने कवर किया हुआ है, पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसका भी PDF है। तो आप किसी भी वीडियो के सेक्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेशन को, लेशन 10 है ये हर्षवर्धन, जिसका काल था 600 से लेकर 647 AD तक। तो देखो हुआ क्या कि गुप्त पीरियड जो है डिक्लाइन करने लग गया था, गुप्त पीरियड डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद जब वो पीरियड डिक्लाइन हुआ गुप्त पीरियड, तो कुछ समय तक ऐसा रहा कि पॉलिटिकल डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा देखा गया, मतलब उसके बाद कोई ऐसा वंश नहीं आया बड़ा वंश जिसकी चर्चा बृहद तौर पे की जा सके, बहुत बड़ा कोई वंश नहीं आया, ठीक है। तो काफ़ी पॉलिटिकल डिसऑर्डर था उस पीरियड के बाद और डिसयूनिटी भी थी। इसके अलावा बिगनिंग ऑफ 7th century AD तक ये सब कुछ चलता रहा। जब हर्षवर्धन का काल आया, हर्षवर्धन ने अगेन एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना बना लिया, ठीक है, हर्ष का काल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हर्षवर्धन के बारे में हमें सोर्स क्या है, हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कि हर्ष का काल कैसा था, क्या काम किया उन्होंने और उनका ओवरऑल मतलब उनका शासन कैसा रहा। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे पास, जिसका नाम है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है, जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बाणा या फिर बाण भट्ट कहते हैं इन, ये जो थे बाण भट्ट, ये कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। तो हर्षचरित्र से काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें हर्षवर्धन के काल की मिल जाती है। इसके अलावा वेन सांग जो था जो कि हर्षवर्धन के काल में ही भारत में आया था, उसका ट्रैवल अकाउंट भी हमें बहुत सारी जानकारी देता है हर्षवर्धन के काल में। इनफैक्ट वेन सांग को हर्षवर्धन ने पुरस्कृत भी किया था, बौद्ध एक मतलब रिलीजियस लोगों को बुलाकर इसको पुरस्कार भी दिया गया था कन्नौज में। तो ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि हम आगे और डिटेल में जानेंगे, फिलहाल एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाता चलता हूँ। तो अभी लिटरेरी सोर्स के तौर पे हर्षचरित्र, जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, और ट्रैवल अकाउंट ऑफ वेन सांग जो है, इससे हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो और भी कुछ सोर्स हैं क्या, तो जी हाँ, और भी कुछ सोर्स हैं, जैसे कि धर्माज जो कि रिटेन गए थे, सॉरी ड्रामाज, तीन ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि खुद हर्ष ने ही लिखे थे, हर्षवर्धन ने ही तीन ड्रामा लिखे थे, जिनका नाम है रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों जो है एक ड्रामा है, प्ले है, एक एक मतलब ड्रामा है, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ये किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने ही लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा मधुबन प्लेट इंक्रिप्शन जो था, और इसके अलावा सोनपत इंक्रिप्शन, ये इन दोनों से हमें क्रोनोलॉजी जो हर्षवर्धन की समय की जो मतलब पीरियड का जो क्रोनोलॉजी है वो हमें मिलता है मधुबन प्लेट इंक्रिप्शन और सोनपत इंक्रिप्शन से। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन है, जिसका नाम है बांसखेड़ा
इंक्रिप्शन। बांस केड़ा इंक्रिप्शन एक ऐसा इंक्रिप्शन है जहाँ पे हर्ष का साइन है वो आज भी इंटैक्ट है, ठीक है। हर्ष का साइन है बांस केड़ा इंक्रिप्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इससे सवाल सीधा पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा इंक्रिप्शन है जिसमें हर्षा का जो है साइन जो है वो अभी भी देखा जा सकता है, वो है बांस खेड़ा इंक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्ली लाइफ हर्ष के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बिकॉज हर्ष ने डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं कि अपना एम्पायर सेट कर लिया था, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी रही है। वो कहानी ये है कि ये जो हर्ष थे ना, ये सब पुष्यभूति थे, इनको पुष्यभूति कहा जाता है और ये पुष्यभूति वंश के थे ये लोग। और ये पुष्यभूति जो थे ये फ्यूडेटरीज थे गुप्त के, मतलब गुप्तों के सामंती थे ये लोग। ये लोग शासक डायरेक्ट नहीं थे, ये सामंत थे, मतलब कि प्रोविंसेस वगैरह में शासन करते थे। और ये अपने टाइटल के तौर पे वर्धन लगाते थे अपने नाम के बाद, जैसे हर्षवर्धन, ठीक है, है ना। इसके अलावा जब हूण जब आक्रमण किया हूणों ने आक्रमण करके गुप्तों को बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया था, तो उसी दौरान में ये सामंत जो थे, जो कि पुष्यभूतीज थे, ये सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इन्होंने बोला कि अब हम गुप्त के अंडर नहीं हैं, क्योंकि अब गुप्तों ने तो ख़त्म सॉरी हूणों ने गुप्तों को ख़त्म कर दिया है, तो हम भैया हो गए इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने अपनी जो है सामंती से हट के इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। आगे बढ़ेंगे, इनमें सबसे बड़ा जो और सबसे पहला जो इनफैक्ट नाम आता है वो है प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर की के थे और ये थानेश्वर में ये शासन कर रहे थे। थानेश्वर पड़ता है नॉर्थ ऑफ दिल्ली में, ठीक है, थानेश्वर पड़ता है नॉर्थ ऑफ दिल्ली में। तो आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, पहली राजधानी तो थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की थी। मैं बता दूंगा कहाँ चेंज करके की थी, आगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो टाइटल है महाराजा धीराज, ये यूज किया करते थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। और इसके अलावा ये परम भट्ट का भी यूज़ किया करते थे टाइटल के तौर पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनके जो एल्डर सन थे प्रभाकर वर्धन के, उनका नाम था राज्यवर्धन, जिनकी सिस्टर थी राज्यश्री, जिनका शादी हुआ था मोखरी राजा गृहवर्मन के साथ। अब सुनना, ये कहानी है एक्चुअली, मतलब ये राज्यवर्धन भी मारे जाते हैं और इनकी सिस्टर पे इन कैप्चर कर लिया जाता है इनके सिस्टर को। तो ये सारी कहानियाँ हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा अभी। मेरी बैटरी मोबाइल का डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं। तो जो सिस्टर थी वो राज्यश्री थी, सी वॉज मैरिड टू मोखरी रूलर जिनका नाम था गृहवर्मन। गृहवर्मन से शादी हुई थी। इसके बाद क्या कोई कहानी है सर? क्या हाँ कहानी है, ये मालवा का जो शासक था जिसका नाम था देवगुप्त, मालवा का शासक था देवगुप्त, उसने एक लीग बनाया, मतलब दल बना के लीग बना के शशांक के साथ। शशांक जो कि बंगाल का शासक था और काफ़ी क्रूर शासक था ये, इन्होंने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी। गृहवर्मन कौन था? ये एक मौखरी शासक था जो कि हर्षवर्धन की सिस्टर राज्यश्री से शादी किया हुआ था। इसकी हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक जो कि बंगाल का शासक था, उन्होंने मिलकर इसकी हत्या कर दी। तो हत्या होने से जो है अब कहीं ना कहीं राज्यवर्धन को काफ़ी गुस्सा आया। इमीडिएटली ये न्यूज़ सुनते ही उसने मालवा पर चढ़ाई कर दी और अपनी आर्मी भेज दी, ठीक है, मालवा पे अपनी आर्मी भेज दी और वहाँ पे जाके उसको लड़ाई भी कर किया। और वापस जब आ रहा था तो शशांक ने उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया और उसकी हत्या कर दी। शशांक ने अब राज्यवर्धन को भी मार डाला, इसके जीजाजी को तो मारा ही था, इसको भी मार डाला। इसके अलावा राज्यश्री जो थी वो बच बचा के कैसे भी जंगल में भाग गई। अब हर्ष का समय आया, क्योंकि अब कोई बचा नहीं था, तो हर्ष बचा था उधर थानेश्वर में। हर्ष ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अभी कोई नहीं बचा था, और थानेश्वर को ही अपना कैपिटल बना के उसके पास दो काम बच गया था, एक तो अपने सिस्टर को बचाना और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जो हुआ है उसका बदला लेना। तो सिस्टर को तो इन्होंने तुरंत ही बचा लिया, सिस्टर एक्चुअली आत्मदाह करने वाली थी तब तक ये जंगल में पहुंच के, और इन्होंने रोक दिया सिस्टर को और बचा लिया। इसके बाद बारी आई कि अब बदला लिया जाए, तो इसके लिए इन्होंने चढ़ाई की, ठीक है। अब उस चढ़ाई में मिलिट्री कॉन्टेस्ट आता है, तो सबसे पहले तो इसने
ही ड्रोव आउट ससांग फ्रॉम द कन्नौज, जो कन्नौज पे शासन कर रहा था ससांग, ससांग को ये लड़ाई करके उसको भगा दिया और कन्नौज को अपनी नई राजधानी बना ली हर्षवर्धन ने। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, ही ऑल्सो फॉट विद द ध्रुव सेना द्वितीय ऑफ बल्लभी एंड डिफीटेड हिम। बल्लभी का शासक जो कि जिसका नाम था ध्रुव सेना द्वितीय, उसको भी उसकी उससे इसके साथ हर्षवर्धन के साथ लड़ाई हुई और उसको हरा दिया हर्षवर्धन ने। इसके अलावा कुछ और लड़ाइयाँ हुई हैं वो भी देख लीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइट हुआ वो था अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय। ऐसा कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था इसमें, क्योंकि एक ये लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई इसलिए हुई थी बिकॉज हर्षवर्धन चाहता था कि अपना जो एम्पायर है इसका हर्षवर्धन का, उसको नर्मदा नदी के और पार में साउथ में ये फैलाए। लेकिन उस समय वेस्टर्न चालुक्य थे वहाँ पे शासन कर रहे थे और उनका बहुत ही प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पे बैठा हुआ था। उसने लड़ाई लड़ी और हर्षवर्धन को हरा दिया। ठीक है, और ये जानकारी हमें मिलती है आईहोल इंक्रिप्शन। आईहोल इंक्रिप्शन जो है पुलकेशिन द्वितीय का, आईहोल राजधानी थी चालुक्यों की। ठीक है, और वहाँ के इंक्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, और हराने के बाद अपना टाइटल जो था वो रखा था परमेश्वरा। परमेश्वरा टाइटल हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने रखा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और कैंपेन किया था हर्षा ने किसके लिए, ताकि सिंध के रूलर को ये कब्जे में करे, उसको जीते। और ये डाउटफुल है कि वो जीता था कि नहीं, ये अभी अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, इट वाज डाउटफुल एंड इट इज़ स्टिल डाउटफुल। अभी तक कोई जानकारी नहीं है इस पर कि ये जो कैंपेन था साउथ सिंध तक जाना और सिंध के रूलर को हराना, ये अभी तक क्लियर नहीं है, सक्सेस हुआ कि नहीं ये पता नहीं है। हर्षवर्धन ने नेपाल पे भी अटैक किया और नेपाल ने हर्षवर्धन की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर कश्मीर। कश्मीर के ऊपर कंट्रोल बना के रखा इसने। ही हैड द कॉर्डियल रिलेशन विद द भास्कर वर्मन, जो कि असम का रूलर था भास्कर वर्मन, उसके साथ इसका कॉर्डियल रिलेशन था। किसका? हर्षवर्धन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट जो लड़ाई थी वो कलिंग की लड़ाई थी और इसको कलिंग की लड़ाई को हर्षवर्धन ने जीत लिया था। इसके अलावा ही ऑल्सो हैड द होल्ड ओवर द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे कि मॉडर्न डे में जैसे राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, इन सब पे उस समय कब्जा था हर्षवर्धन का। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा पे इसका कब्जा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जगह हैं जो कि इसके सोवरेनिटी को मानते थे, उनका नाम है कश्मीर, सिंध, बल्लभी, कामरूप। ये लोग इसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया इन्होंने। ठीक है, कश्मीर, सिंध, बल्लभी, कामरूप, इन्होंने इसके सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया। आगे बढ़ेंगे। चलिए, हर्षा एंड बुद्धिज़्म अब समझ लेते हैं। हर्षा एंड बुद्धिज़्म को समझते हैं। जो अर्ली लाइफ था हर्ष का वो उसमें कहीं ना कहीं वो सैव अपने आप को मानता था, वो सैव धर्म को अपनाया हुआ था। बट बाद में उसने सैव धर्म छोड़कर ही बिकेम एन आर्डेंट हीनयान बुद्धिस्ट। ये सैव को छोड़कर इसने हीनयान बुद्धिज़्म को अपना लिया। इसके बाद जब वेन सांग आया इसके शासनकाल में, वेन सांग ने इसको कन्वर्ट कर दिया महायान बुद्धिज़्म में। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन ने प्रोहिबिट कर रखा था एनिमल फूड को। इसने बोल रखा था कि किसी भी लिविंग बींग को मारेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ही ऑल्सो इरेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्तूपाज इन द फेवर ऑफ बुद्धिज़्म। कई सारे स्तूप बनाए इन्होंने। इसके अलावा ही इस्टेब्लिश लॉट ऑफ ट्रेवलर्स रेस्ट। इसके अलावा इसने मोनास्ट्रीज बनाई। एंड इसकी एक खास बात ये थी कि ये हर 5 साल में एक गैदरिंग इकट्ठा करता था जिसमें डिफरेंट धर्म के लोगों को के रिप्रेजेंटेटिव को ये बुलाता था और उनसे डिस्कशन करता था, डिस्कशन होता था उसमें। ठीक है, तो इसी दौरान में
कन्नौज असेंबली आई थी 5 साल के बाद, कन्नौज असेंबली आई थी जिसमें जो कि एक रिलीजियस असेंबली थी, डिफरेंट धर्म के लोग इसमें आके पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये असेंबली इसलिए बुलाई गई थी ताकि वेनसांग को ऑनर किया जा सके, इसे अटेंड किया था लगभग 20 राजा ने इसको अटेंड किया था। इसके अलावा इसमें 1000 स्कॉलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के और 3000 हीनयानिस्ट थे एंड हीनयानिस्ट एंड महायानिस्ट थे। इसके अलावा 3000 ब्राह्मण भी थे और टोटल ये 23 दिन तक ये कन्नौज असेंबली चली थी। तो ये फैक्ट थोड़ा सा लिखना, अगर मेंस वगैरह लिखोगे तो अच्छा लगेगा, बट ये सीधा फैक्ट है, वैसे प्रीलिम्स में नहीं आएगा आपके, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक असेंबली हुई थी कन्नौज असेंबली, किस लिए हुई थी, ताकि वेनसांग को ऑनर किया जा सके। इसमें डिफरेंट धर्म के लोग चूँकि आए थे तो अपना अपना बात रख रहे होंगे, इसी में किसी को किसी की बात नहीं पसंद आई होगी और वायलेंस ब्रोक आउट हो गया। और कहीं ना कहीं हर्ष के लाइफ पे भी एक अटैक किया गया, कोशिश की गई कि हर्ष को भी मार दिया जाए वेनसांग, लेकिन वो बहुत जल्दी उसको दबा दिया गया। हर्षा ने जो कल्प्रिट थे उनको पनिश भी किया और लास्टली वेनसांग को ऑनर किया इसने कॉस्टली प्रेजेंट से, मतलब महंगे महंगे उपहार दिए इसने वेनसांग को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्नौज वाली कहानी ख़त्म हो गई। और एक और असेंबली हुआ उसके बाद, कॉन्फ्रेंस जो है 5 साल वाला रेगुलर वाला अलाहाबाद में। अलाहाबाद कॉन्फ्रेंस की जिक्र वेनसांग ने की है, इसमें बताया कि हर्ष इतना लैविश था, इतनी लैविश लाइफ जीता था कि उसने इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा वेल्थ जो है गिफ्ट दिया। कई सारे मेंबर्स जो थे डिफरेंट और रिलीजन्स के सेक्ट के जो मेंबर थे उनको सब कुछ इसने दान दे दिया। इनफैक्ट इसने अपने जो गहने पहन रखे थे और जो कपड़े थे वो भी इसने दान के तौर पर उनको दे दिए। हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था भैया? तो हर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लगभग सेम था गुप्त के जैसा, गुप्तों का जैसा एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें भुक्ति वगैरह का सिस्टम था, वही एडमिनिस्ट्रेशन हर्षा का भी था सेम वैसा ही। वेनसांग ने बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर दिया है हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें कहा गया है कि टैक्सेशन जो था वो काफ़ी लाइट था और फोर्स लेबर जो था वो बहुत ही रेयर हुआ करता था। जो लैंड टैक्स था वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था, मतलब जो भी मान लो आपने धरती पे 100 kg अनाज उगाया तो उसका 1/6 भाग आपको देना पड़ेगा एज ए टैक्स, ये सिस्टम में था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्रूएल पनिशमेंट जो था वो जो मौर्यन पीरियड वाला था वो कंटिन्यू रहा इस पीरियड में भी। वेनसांग ने इसे कंडेम किया, बोला कि ये काफ़ी बारबरस और सुपरस्टिशियस था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी जो थी वो वहीं ट्रेडिशनल 4 पार्ट में बटी हुई थी, जैसे कि फुट आर्मी, इसके अलावा हॉर्सेस थे, चैरियट्स थे और एलिफेंट दल था, ये 4 दल में बटा हुआ था। कैवलरी जो थी, जो घुड़सवार थे वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा थे और हाथी जो थे वो 60,000 के आसपास थे। तो कहीं ना कहीं मौर्यों के समय में जो उनके पास सेना थी उससे कहीं ज़्यादा सेना हर्षवर्धन के पास थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो कि थिंग हैज़ टू बी रिमेम्बर्ड वाली बात हो जाती है। हर्षवर्धन के काल में जो पब्लिक रिकॉर्ड्स थे उसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया और जो आर्चीव्स थे वो उनको कहा गया नीलो पित्तू, मतलब जो आर्चीव्स हुआ करते थे उनको नीलो पित्तू कहा गया, जो कि अच्छी और बुरी घटनाओं का संकलन था उसमें पब्लिक रिकॉर्ड। सोसाइटी और इकोनॉमी की बात करें तो सोसाइटी 4-फोल्ड डिवीज़न था सोसाइटी में, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। वही सिस्टम जो ट्रेडिशनल एक ब्राह्मणिज्म उसमें होता है वही सिस्टम यहाँ पे था। ठीक है, इसके अलावा वेनसांग ने मेंशन किया है कि शूद्रों का जो है वो प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर, शूद्रों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन वो एग्रीकल्चर जो था उसको प्रैक्टिस करते थे। और कई सारे सब कास्ट के बारे में भी जिक्र किया है वेनसांग ने। वुमेन का जो पोजिशन था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। ठीक है, वुमेन का जो पोजीशन था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। री मैरिज ऑफ विडो जो था वो प्रोहिबिटेड था, स्पेशली अगर अपर स्ट्राटा की बात करें जैसे कि ब्राह्मण की वाइफ वगैरह में, तो उसमें री मैरिज की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी, विडो शादी नहीं कर सकती थी दोबारा। इसके अलावा डाउरी सिस्टम काफ़ी प्रिवेलेंट था।
और प्रैक्टिस ऑफ सती भी काफ़ी प्रिवेलेंट था उस दौरान में, ठीक है। तो ये सब कोई अच्छी बात नहीं है, सब बुरी बातें हैं। इसके अलावा वेन सांग ने मेंशन किया है तीन वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, जो मरता था उसको तीन तरीके से डिस्पोजल किया जाता था उसकी बॉडी का। एक तो क्रीमेशन हो जाता था, दूसरा वाटर ब्यूरियल भी होता था, पहला क्रीमेशन, दूसरा वाटर ब्यूरियल, और तीसरा एक्सपोजर इन वुड्स, मतलब आग से लकड़ी में जला देना। ये तीनों काफ़ी फेमस था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, जो था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, जो कि गुप्त के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, वो उतना ही डिक्लाइन होकर हर्षवर्धन के काल में काफ़ी नीचे आ गया था। लेस नंबर ऑफ कॉइन्स मिले हैं इस पीरियड में, इसका एग्जांपल यू नो प्रूव करते हैं इस बात को कि जो जनरली जो ट्रेड और कॉमर्स था वो काफ़ी नीचे गिर गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सार इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ गुप्त पीरियड जनरली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और पॉइंट देखते हैं, कल्चरल प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा तो नहीं हुआ इस पीरियड में, बहुत फ्यू जो है कल्चरल प्रोग्रेस हुआ, मोस्टली गुप्त स्टाइल के ही कल्चर यू नो फॉलो किए गए। और वेन सांग ने ग्लोरी ऑफ मोनास्ट्रीज के बारे में लिखा है कि हर्षा ने नालंदा में मोनास्ट्रीज, मिनी स्टोरी की मोनास्ट्रीज बनवाई थी हर्षा ने, यू नो नालंदा में अपग्रेड करवाया था नालंदा को। इसके अलावा एक कॉपर का स्टैचू की बात कही है वेन सांग ने, जिसका हाइट जो है 8 फीट बताया गया है, 8 फीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक टेम्पल ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मणा वो भी हर्ष के काल में ही बना था, सीरपुर में ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मणा, जो कि हर्षवर्धन के काल में ही बना था, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, इसी के समय हर्ष के समय इसका जो बायोग्राफर था जिसका नाम है बाण भट्ट, ये इसके दरबार में रहता था, ठीक है। तो ये एक ग्रेट पैटर्न था लर्निंग का। इसके अलावा हर्ष चरित्र लिखी है बाण भट्ट ने और कादंबरी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्ष चरित्र और कादंबरी के रचयिता कौन थे, तो बाण भट्ट थे, ठीक है। मतंग दिवाकर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस जो थे एक पोएट थे, ये इसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा फेमस भर्तृहरि, जो कि एक पोएट हुआ करते थे, फिलोसोफर और ग्रामेरियन थे, वो भी हर्षवर्धन के दरबार में थे, ठीक है, इनके कोर्ट में थे, इनके दरबार में थे। पोएट, फिलोसोफर और ग्रामेरियन थे, कौन थे? भर्तृहरि जो थे, ये एक पोएट थे, फिलोसोफर थे और ग्रामेरियन थे, ये भी हर्षवर्धन के दरबार में रहे हैं। इसके अलावा ही ऑल्सो पैटर्नाइज द नालंदा यूनिवर्सिटी बाई लिबरल इंडोमेंट्स, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने कई सारे लिबरल इंडोमेंट्स, दान वगैरह, अग्रहार दान जो कहते हैं, वो दान वगैरह इसने बहुत सारे दिए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत फेमस उस समय का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करता था। हीनयान यूनिवर्सिटी बल्लवी का था, और ये जो नालंदा वाला था ये महायान यूनिवर्सिटी था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा वाला जो यूनिवर्सिटी था वो क्या हीनयान था या महायान, तो आंसर आपका क्या होगा? महायान, ठीक है। और जो बल्लवी का जो यूनिवर्सिटी था वो था हीनयान यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन सांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी की जिक्र की है काफ़ी ज़्यादा। नालंदा का मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज, नालंदा का मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज। इट वॉज फाउंडेड बाई कुमार गुप्त प्रथम ने इसको फाउंड किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर्स जो थे यूनिवर्सिटी के, कई सारे बड़े नाम हैं, जैसे कि दिंग नाग, इसके अलावा धर्मपाल, इसके अलावा स्त्रीमती, इसके अलावा सीलभद्र, ये सब जो थे प्रोफेसर थे, जो पढ़ाते थे वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, फेमस ये सब प्रोफेसर थे। धर्मपाल जो था वो कांचीपुरम का रहने वाला था, और ये बाद में बन गया था हेड ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। कांचीपुरम का बंदा नालंदा में की यूनिवर्सिटी को हेड कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी, इसमें जो पढ़ाई की फ़ीस थी वो बिल्कुल जीरो थी, मतलब फ्री आप पढ़ सकते थे, उसमें बोर्डिंग एंड लॉजिंग की व्यवस्था भी बिल्कुल फ्री थी। लेकिन इसके लिए भाई पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी, बिकॉज लोगों को रहने के लिए, उनके बोर्डिंग लॉजिंग की व्यवस्था, ये सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। तो रेवेन्यू आता था
नालंदा के आसपास लगभग 100 से 200 गांव दिए गए थे इंडोमेंट के तौर पे, डिफरेंट रूलर्स ने दिए थे 100 से 200 गांव, ठीक है। वहां से कहीं ना कहीं इसकी भरपाई की जाती थी, डिफरेंट रिलीजियस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे इसमें, जैसे कि वेदा मेन तो यहाँ पे महायान बुद्धिज़्म पढ़ाया जाता था, इसके अलावा ऐसा नहीं था कि बाकियों को छोड़ दिया जाता था, बाकियों को भी पढ़ाया जाता था, जैसे कि वेदा, जैसे कि हीनयान डॉक्ट्रिन, जैसे कि सांख्य और योगा फिलोसफीज, ये सब भी पढ़ाए जाते थे। कुछ आम सब्जेक्ट जैसे कि लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता था, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया जाता था। एडमिशन इतना आसान नहीं था, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता था, और ऐसा कहा जाता है कि हर 10 में से 7 बंदा फेल हो जाता था, ओनली 30% लोग ही पास होते थे, 3 ही बंदा पास होता था 10 में से, ठीक है, तो इतना आसान नहीं था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत था, मतलब पढ़ाई जो थी वो संस्कृत भाषा में कराई जाती थी। अकॉर्डिंग टू इत सिंह अगेन 7वीं शताब्दी में आया था भारत में, ये एक चाइनीज पिलग्रिम था, इसने इसके हिसाब से, इसके वृतांत के हिसाब से लगभग 3000 से ज़्यादा के आसपास इसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। एंड एक ऑब्जर्वेटरी की भी बात इसने कही है, एक ग्रेट लाइब्रेरी की भी बात कही है, 3 बिल्डिंग्स की बात कही है, तो ये सारी बातें हुई हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी उस समय का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करता था। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।